दोस्तों, मोदी सरकार का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हेमंत विश्व शर्मा ने जिस घमंड में अपने विचार को सार्वजनिक किया था, उसी घमंड का नतीजा बन उन पर FIR फूट गया है। असम के 18 विपक्षी दलों ने मिलकर हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। समूचे विपक्ष का आरोप है कि शर्मा जी जो हेमंत विश्व शर्मा लोकसभा चुनाव के बाद से ही दंगा कराने की कोशिश में बैठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा का खिलाफ आज हमारा विरोधी ओपोजिशन फोरम असम, जिसमें 18 पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग एक साथ है, हम लोग ने दिसपुर थाना में एक FIR दर्ज किया। सोचिए दोस्तों, देश का प्रधान मुसलमानों को लुटेरा कहता है, वहीं राज्य का मुख्यमंत्री ही राज्य में जब दंगा भड़काने का काम करने लगे, तो आप बताइए दोस्तों कि राज्य की सुरक्षा किसके भरोसे चलेगी। देश का प्रधान होता है प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री। उस राज्य का प्रधान, अब आप सोचिए कि देश और राज्य का प्रधान ही देश में हिंदू मुसलमान में बंटवारा करवा के फिर एक बार गुजरात दंगे जैसे मुद्दे को भड़काए, तो देश तरक्की करे या फिर वो भीतरी जंग में तब्दील होगा। इनके कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने का कारण कौन नहीं जानता, और अपने भ्रष्टाचार को छुपाए बैठे हेमंत विश्व शर्मा ऐसे भाषण देते शोभा नहीं देते हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति कौन नहीं जानता। लेकिन अफसोस, अब ये ज्यादा दिन की रणनीति नहीं रह सकती है, क्योंकि मोदी जी और भाजपा की हिंदू मुसलमान की रणनीति से अब सब कोई वाकिफ हो चुके हैं और परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि देश में इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तीसरी अर्थव्यवस्था का नाम तो ले लिया गया है, लेकिन हमारी शिक्षा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हमारी जो बेरोजगारी का दर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, ना टीवी मीडिया में डिबेट्स होते हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बातचीत नहीं होती है, बस हाँ महिला सशक्तिकरण बोल दिया जाता है, काफी हो जाता है। लेकिन हिंदू मुसलमान का एक ऐसा मुद्दा जिसको बार बार हर बार ऐसे खदेड़ा जाता है, जिसके इसके अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं बचा है देश में, जिसके बारे में अब यकीनन भाजपा को भी विचार करना चाहिए। खैर, आप इस रिपोर्ट पे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और खबर देखने के लिए द कंटाप को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।